अभी से लेके अगले 72 आवर्स यानी कि अगले 3 दिन के अंदर यू कैन स्विच ऑन योर बॉडी फार्मेसी। अगर आप डायबिटीज की दवाइयों पर निर्भर हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, अगर आप नींद के लिए, डिप्रेशन के लिए या बॉडी पेन मैनेजमेंट के लिए दवाइयों पर डिपेंडेंट हैं, सालों साल से दवाइयां ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि अगले कुछ साल तक या हमेशा के लिए दवाइयों पे ही निर्भर रहें। आप चाहे तो अगले 3 दिन के अंदर ही पीछा छुड़ा सकते हैं दवाइयों से बाय यूजिंग अ साइंस। मैं बात कर रहा हूं 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस कॉल्ड सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम मतलब हमारे बॉडी क्लॉक, सर्कैडियन क्लॉक। जब भी कोई बीमारी होती है तो उसका मूल कारण अकॉर्डिंग टू द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस आपके बॉडी क्लॉक का बिगड़ना, यानी कि उस बॉडी क्लॉक को अगर रीसेट कर दें तो बीमारियां अपने आप अपनी जगह पे ठीक होने लगती है। यानी कि जो दवाइयों पे निर्भर हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सारा फैक्ट्री बॉडी के अंदर भी है, उसको ही आपको स्विच ऑन करना है। और दैट इज पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ यू विद इन द नेक्स्ट 3 डेज। कैसे करना है, क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई वे में समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी घर की घड़ी है और इस घड़ी पे आप निर्भर हैं अपने दिनचर्या के लिए, इसी को आप प्रेफर करते हैं अपने पूरा टाइम टेबल को सेट करने के लिए। चालाकी से मैं क्या करता हूँ कि हर दिन इस घड़ी के जो टाइम है उसको 5-5 मिनट में कम करने लगता हूँ, 5-5 मिनट पीछे करने लगता हूँ। तो पहले कुछ दिन तक इसके 5-10-15 मिनट पीछे होने से भी आपका पूरा जो लाइफस्टाइल है, आपकी पूरे जो टाइम टेबल है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ दिन के अंदर जैसे ही ये 1-2 घंटा पीछे हो गया और आप इसी को रेफरेंस मान के अपना पूरा शेड्यूल तय कर रहे हैं, आपकी मीटिंग्स, आपके जॉब में जाना, मूवी देखना एक्सेट्रा, आप पाएंगे कि हर जगह आप लेट पहुंचने लगे हैं और हर दिन आपका स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर दिन मैं घड़ी के टाइमिंग को थोड़ा पीछे करता जा रहा हूं। एवरी डे यू आर स्ट्रगलिंग इवन मोर, और आप कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर लें, आप कभी भी टाइम को कैच नहीं कर पा रहे। तो सिंपली मैंने क्या किया, आपके पूरी लाइफस्टाइल को बिगाड़ने के लिए मैंने आपको कहीं भी नहीं छेड़ा, आपके सिर्फ क्लॉक को छेड़ा। तो ठीक कैसे करना है, वो आंसर ऑब्वियस है, आपको अपने क्लॉक को दोबारा से रीसेट करना है पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप आपको ये इंश्योर करना है कि कोई इस क्लॉक को बिगाड़ ना पाए। तो क्लॉक को रीसेट करने में कितना टाइम लगेगा, अगर हम अपने बॉडी क्लॉक की बात करते हैं तो इट कैन स्टार्ट विद एज स्मॉल एज 72 आवर्स, सिर्फ 72 घंटा। ऐसा ही कुछ किया इन 32 लोगों ने जो 1 December शाम को आ गए हमारे हिम्स हॉस्पिटल में, और 2nd, 3rd, 4th 3 दिन इन्होंने फैसला किया मेरे साथ रहने के लिए। ये देखिए सारे पेशेंट्स हैं और इनका एक ही इरादा था कि 3 दिन के अंदर ये अपने बॉडी क्लॉक को सेट कर दें, ताकि जो सालों साल से दवाइयां ले रहे थे, इंसुलिन ले रहे थे, या पेन से गुजर रहे थे, स्वेलिंग या मोटापे से गुजर रहे थे, या कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा था, वो ठीक हो जाए, इसी उम्मीद से आए थे। जब ये 3 दिन ये हमारे साथ थे तो पिलानी के यूनिवर्सिटी, श्रीधर यूनिवर्सिटी एंड दयानंद आयुर्वेद कॉलेज, जो कि जलंधर का या देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ की टीम ने इस 3 दिन इन पेशेंट्स पे नजर रखी, एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया कि 3 दिन में क्या फर्क आता है इनके बॉडी क्लॉक को चेंज करने की कोशिश में, क्या अचीव करते हैं। तो देखते हैं वो अचीवमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन स्टडी के जो हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं, फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको घर में अभी से लेकर अगले 3 दिन में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ये सारे जो पेशेंट्स हैं ये मिक्स्ड है, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, किसी की स्वेलिंग हो रही है, कोई मोटा है, कोई चल नहीं पाता है, किसी की ज्वाइंट्स पे पेन है, कोई फाइब्रोमायल्जिया का पेशेंट है, कोई अस्थमा का पेशेंट है, लेकिन प्रॉब्लम अलग अलग है, सोल्यूशन सेम है कि बॉडी क्लॉक को ठीक कर देना। आप देखिए आपके घर की घड़ी को अगर मैं छेड़ दूंगा तो हो सकता है जो आपके घर में बच्चा है उसको स्कूल जाने में लेट हो जाए, आपको ऑफिस जाने में लेट हो जाए, किसी और को कहीं और लेट हो जाए, तो प्रॉब्लम अलग अलग है लेकिन उसका कॉज एक ही है। सो सिमिलरली द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू रीसेट द बॉडी क्लॉक। वो आप करेंगे, अभी करेंगे, कैसे करेंगे वो आप समझते जाइए। पहले देखते हैं ये नतीजा क्या निकला जब ये 3 दिन हमारे साथ थे। तो ऑब्जर्वेशन स्टडी का जो नतीजा है, पहला नतीजा ये है कि ज्यादातर पेशेंट्स में जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, विद इन द 3 डेज उनका सिस्टोलिक बीपी 20 mmHg घट गया। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टडी। एंड विद इन द 3 डेज 50% बीपी के पेशेंट की दवाई पूरी तरह छूट गई, और विद इन द फर्स्ट 3 डेज 30% ब्लड शुगर के पेशेंट की दवाइयां पूरी तरह छूट गई, और ज्यादातर पेशेंट की दवाइयां एटलीस्ट आधी तो छूटी गई। और एक इंटरेस्टिंग बात, 2 पेशेंट ऐसे थे जो इंसुलिन डिपेंडेंट थे, उनमें से एक पेशेंट की इंसुलिन 3 दिन के अंदर छूट गई। सोचिए सालों साल से इंसुलिन डिपेंडेंट थे और 3 दिन के अंदर छूट गई पूरी तरह से। एंड
एक डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट था, उसकी इंसुलिन 3 दिन, तीसरे दिन तक 50% ही रह गई। देखते हैं वो पेशेंट क्या कहते हैं, फिर मैं बताऊंगा इन लोगों ने 3 दिन ऐसा क्या किया। But it has really healed you and you are feeling better, your blood sugar levels have gone down, you feel? Yes, without insulin. And you're feeling mentally happy and healthy? Absolutely. They go up as well, but yes. Then they automatically come down as well without insulin. I mean, I don't have to be on a medication now, I believe. So you did not take insulin yesterday, I think, did you? Yes, I did, but only one dose. Too, I think you've come down to long acting. No, I did not take long acting. I took only one dose. Okay, but your dose came down last 2 days? Yes, from let's say 45 minutes to 20 minutes. Oh, that's lovely, 2 days. यहाँ पे interesting बात ये है कि जो observation study की जो team थी वो ये जानना चाहती थी कि 3 दिन के बाद क्या होता है जब ये घर जाते हैं, क्या तब भी कंसिस्टेंटली इनका ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर मैनेज रहता है और अच्छा होता है या फिर दोबारा बिगड़ जाता है। इसके लिए सारे पेशेंट्स को जो रेलेवेंट पेशेंट थे उनको हमने ये स्कैनर लगा दिए। ये उन्हीं एक पेशेंट का स्कैनर है और ये स्कैनर में आप देखिए यहाँ पे अगर दिख रहा है एक छोटा सा ये निडल है जो स्किन के अंदर लग जाता है, पेस्ट हो जाता है ये, और इसके अंदर ब्लड शुगर की रिपोर्ट हर 15-15 मिनट में इसमें रिकॉर्ड होने लगती है और 14 दिन तक ये बॉडी में लगा रहता है। 14 दिन बाद इन्होंने इसको निकाला अपने बॉडी से और हमें कुरियर कर दिया, और हमें जब कुरियर कर दिया तो ये रीडर है, इस रीडर की मदद से हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या रिकॉर्ड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक पेशेंट की जो रिकॉर्डिंग है, जब वो पहले दिन आए थे थर्सडे को 1 दिसंबर को, तब उनका ब्लड शुगर था 245, दूसरे दिन रात भर रहे हमारे साथ 0 वोल्ट थेरेपी से, और दूसरे दिन 214, फिर 3 दिसंबर 207, इस तरह से कम होता गया। आप देखते जा रहे हैं कंसिस्टेंटली कम हो रहा है और आप देख रहे हैं 8वें दिन तक वो 154 पहुंच गया, यानी कि घर जाने के बाद भी ना केवल वो स्टेबल रहा बल्कि वो ब्लड शुगर लगातार कम होता गया। तो इसी तरह से बाकी पेशेंट्स के भी हमने ये स्कैनर, जिन्होंने स्कैनर कर ये भेजा, हमने यही देखा। अब आता है इंटरेस्टिंग, 3 दिन इन्होंने क्या किया और घर जाके क्या किया। 3 दिन 3 इंपॉर्टेंट स्टेप कराए। पहला जो कि बहुत ही आसान है, जो इस वक्त आप घर पे कर सकते हैं, 3 दिन छोड़िए आप 7 दिन करके देखिए, यू विल सी द रिजल्ट। और वो ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, ईटिंग विद इन द ब्रैकेट ऑफ 10 आवर्स, 8 AM टू 6 PM ही आपको खाना है, 6 बजे के बाद नहीं खाना है और सुबह 8 बजे से पहले नहीं खाना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी डिड। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 24 घंटे में से 20 घंटे कम से कम 0 वोल्ट पे रहना है, 0 वोल्टेज पे रहना है। इसके लिए 0 वोल्ट बेडशीट उनको दिए गए, 0 वोल्ट फुट मैट दिए गए, 0 वोल्ट योगा मैट दिए गए, और ये ध्यान रखा गया कि 24 घंटे में से कम 20 घंटे तो इससे कनेक्टेड रहे ताकि बॉडी 0 वोल्टेज पे रहे। याद रखिए जब भी बॉडी 0 वोल्टेज पे रहती है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, हमारा बॉडी क्लॉक धीरे धीरे सेट होने लगता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई दर्द है तो वो जाने लगता है, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। एंड तीसरा वो है नीम करेला थेरेपी फॉर 15 मिनट्स एवरी डे फॉर नेक्स्ट 3 डेज। तो ये 3 चीजों से ये रिजल्ट सामने आ गया। लेकिन बहुत सारे पेशेंट जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट थे, स्वेलिंग के पेशेंट थे, बॉडी एक ज्वाइंट पेन एक्सेट्रा के पेशेंट थे, जो मोटे पेशेंट थे, उनमें रिजल्ट क्या था। तो ऑब्जर्वेशन स्टडी के अनुसार जो 5वां उन्होंने ऑब्जर्व किया पॉइंट, 75% पेशेंट्स को 100% रिलीफ मिल गया कॉन्स्टिपेशन से, राइट। 75% पेशेंट को पूरी तरह से आराम मिल गया कॉन्स्टिपेशन से विद इन थर्ड डे, और ज्यादातर पेशेंट जो मोटे पेशेंट थे उनका वेट ऑन एवरेज 1 kg घट गया। और अगला कि जो जॉइंट पेन के पेशेंट थे, बैक पेन के पेशेंट थे, उनमें 80% गॉट मोर देन 50% रिलीफ बाय द एंड ऑफ थर्ड डे। 80% ने बोला कि भाई 50% आराम है तीसरे दिन तक। तो ये अचीव करने के लिए हमने एडिशनली क्या किया उनके बॉडी क्लॉक को सेट करने के लिए, इस पे बात करते हैं। इस पे एडिशनली हमने ध्यान रखा हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन एंड हीट प्रोटोकॉल विद पंचकर्मा। जब हमने ये ऐड कर दिया तो 3 दिन के अंदर ये सारे रिजल्ट्स आ गए। ये भी देखना था कि ब्लड शुगर के पेशेंट की तरह बाकी पेशेंट्स में घर जाने के बाद कंसिस्टेंटली क्या परफॉर्मेंस होता है जब वो इसी तरह के एक्टिविटीज घर पे भी कुछ हद तक करते हैं। एक्चुअली घर के लिए भी एक किट दे दिया गया उस किट से, ताकि घर पे भी सेम वो कर पाए, 100% नहीं कर पाए, 50% कर पाए। तो पहले दिन उनका कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट लिया गया 1 तारीख को, और उनको बोला गया 10 तारीख को 10वें दिन एक और कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करके भेजना है। तो
उन्होंने भेजा, भेजने के बाद देखा गया अमंग द एनीमिक पेशेंट ऑन एवरेज हीमोग्लोबिन बढ़ गया 0.3 ग्राम पर डेसिलीटर, ऑन एवरेज रेड ब्लड सेल बढ़ गया 0.105, ऑन एवरेज पैक सेल वॉल्यूम बढ़ गया लगभग 2.36%। तो इसके अलावा या इसके साथ जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है वो आगे आप देखिए कि कैसे अस्थमा ठीक हो गया 3 दिन के इस प्रोटोकॉल से, या कैसे फाइब्रोमायल्जिया ठीक हो गया। सुमित अरोड़ा फ्रॉम मुरादाबाद यूपी। यू केम विद व्हाट प्रॉब्लम? मेरे को लगभग अस्थमा था पिछले 13 साल से, और साथ में बीपी और कॉन्स्टिपेशन, 3 परेशानियां बहुत मेजर थी, और जिसमें से मैं सोचता हूँ कि मेरे को इनहेलर दिन में 3 बार लेना पड़ता था, और यहाँ आके मैंने 2 दिन रात को लिया है और 3rd day मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी इनहेलर लेने की। That's so nice. और कॉन्स्टिपेशन इन्होंने जो पंचकर्म किया वो अल्टीमेट था, बाकी तो सारी चीज़ें बहुत अल्टीमेट है, लेकिन पंचकर्म से मेरा कॉन्स्टिपेशन एक ही रात में सही हुआ। अभी जो मेरा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उसमें मैक्सिमम होता है, एक्चुअली होता है क्या कि वो कंटिन्यूस पेन होता है ऑल बॉडी, फाइब्रोमायल्जिया पेन होता है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, तो उसमें हमको जो है अभी एवरी 12 आवर्स में मैंने मुझे 200 mg का पेन किलर लेना पड़ता है फाइब्रोमायल्जिया स्पेसिफिक। मुझे भी फाइब्रोमायल्जिया था, अबाउट 6 years बैक। देखिए तो फिर यहाँ आने का बाद में आफ्टर 24 आवर्स, जो कि हमको कंपलसरी था 12 आवर्स एवरी 12 आवर्स में लेने का, अगर कोई एक तो डोज स्किप हो जाता या भूल जाते थे तो 4 से 5 घंटे के अंदर में हमारा पेन वापस आ जाता था। यहाँ आके मैंने ये जब ये 0 वोल्ट थेरापी में आ गया और पानी भी हो गया और बाकी तो हम कर ही रहे थे, तो उसमें क्या हो गया कि हम जो 24 आवर्स बाद में मैंने पहला एक डोज स्किप किया, फिर वॉच किया कि क्या हुआ है, मैंने 1-1.5 दिन चलने के बाद में तो देखा कि जो नेक्स्ट 12 आवर्स तक हम फिट एंड फाइन रहे, मैंने पेन वापस नहीं आया। उसके बाद में हमने उस दिन नाइट में 24 आवर्स बाद में हम एक टेबलेट ले लिया फॉर सेफ्टी। Okay. उसके बाद में नेक्स्ट अच्छा उसके बाद में फिर हमने अभी तक 3 डोज स्किप कर लिए हैं कंटिन्यूस, स्टिल आई एम फीलिंग वेल एंड ओके। अभी आपने जो देखा ये एक्चुअली हुआ कैसे ये समझना जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे है लाइट का। इस वक्त आई एम एक्सपोज टू लाइट, ये जो लाइट है वो हमारे बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है वेरी मच। ये जो लाइट आप देख रहे हैं मेरे आसपास, इस लाइट को अगर मैं मेजर करूं इट इज अबाउट 100 लक्स ऑफ लाइट। 100 लक्स ऑफ लाइट अगर दिन में मेरे मैं एक्सपोज हूं तो ये बहुत कम लाइट है, अगर दिन में मैं 1000 लक्स ऑफ लाइट से कम लाइट में एक्सपोज हूं तो मेरा बॉडी क्लॉक बिगड़ सकता है। ठीक इसी तरह से रात में यानी कि शाम के बाद 6-7 बजे के बाद मेरी जो एक्सपोजर टू लाइट है वो 1000 लक्स ऑफ लाइट से ज्यादा होगी तो भी मेरा बॉडी क्लॉक बिगड़ेगा। तो ये एक रूल को हमने इंश्योर किया, ना केवल 3 दिन बल्कि ये उनको प्रमोट किया घर जाके भी इस रूल को अप्लाई करें, ये है पहली बात। दूसरी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इस वक्त मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरा हूँ जैसे आप भी घिरे होंगे, जैसे वाईफाई है, 3G है, 4G है, 5G है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मैं घिरे रहेंगे तो हमारा बॉडी का वोल्टेज बढ़ता जाएगा, बॉडी का वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी घटती जाएगी, हमारे बॉडी में पेन आता जाएगा, हमारे बॉडी में बहुत सारी विकृतियां या कैंसर सेल डेवलप होते जाएंगे। तो दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने पेशेंट्स को 0 वोल्टेज पे रखा, 0 वोल्टेज पे रखने के लिए 0 वोल्ट बेडशीट्स एंड 0 वोल्ट योगा मैट्स वगैरह दिए गए और घर ले जाने को भी दिया ताकि घर पे भी कर पाए, ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात है जो आपके बॉडी क्लॉक को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। तीसरी चीज जो बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करती है दैट इज आपके बॉडी में प्रेशर, इस वक्त एटमोस्फेरिक प्रेशर है मेरे बॉडी पे, इस वक्त लॉ ऑफ ग्रेविटी फोर्स मेरे बॉडी पे काम कर रही है जो कि आपके बॉडी में काम कर रही है, ये 2 फोर्स को आप मैनिपुलेट करके लोकलाइज्ड सर्कैडियन क्लॉक को ठीक कर सकते हैं, खासतौर पे जो किडनी के पेशेंट्स हैं, लीवर के पेशेंट्स हैं, और हमने ऐसा ही किया 3 दिन के लिए थ्रू हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन या फिर हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। और इसके अलावा जो चौथी सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हीट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैन बी
वर्क्ड एज ए मेडिसिन. टेम्परेचर भी एक मेडिसिन की तरह काम कर सकती है. खासतौर पे जो पंचकर्मा है आयुर्वेद का, उसको हमने इस्तेमाल किया लोकलाइज्ड जॉइंट पेन के पेशेंट के लिए फॉर एग्जांपल, या स्टमक के पेशेंट के लिए फॉर एग्जांपल, एसिडिटी के पेशेंट, इंडाइजेशन के पेशेंट, उसके लिए. तो ये चौथी बात है. तो ये सारे प्रोटोकॉल को जब यूज करेंगे तो ये कंट्रोल करते हैं आपके बॉडी क्लॉक को, और इससे बॉडी क्लॉक को ठीक करेंगे तो आप दवाइयों से फ्री हो सकते हैं. इनमें से कुछ बातें तो आप घर पे अप्लाई कर ही सकते हैं इसी वक्त टू सी सर्टन काइंड ऑफ रिजल्ट्स, सर्टन अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स. लेकिन आप में से वो लोग जो चाहते हैं कि आप मेरी निगरानी में मेरे साथ रह के 3 दिन बिता के इन पेशेंट की तरह आप ठीक होना चाहते हैं पूरी तरह से, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ 17th February, 18th February, 19th February अगले महीने. ये 3 दिन आप मेरे साथ रहेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, हिम्स हॉस्पिटल दिल्ली NCR, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, 1000 बेडेड सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल है. और इस हॉस्पिटल में 3 दिन मैं मिलूंगा आपको, और मेरे साथ मेरी जो कोर मेडिकल टीम है जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, MBBS MD डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम जो आप पे नजर रखेगी, ना केवल उस 3 दिन, उसके बाद भी अगले 1 महीने तक. क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि 3 दिन के लिए आपको ठीक नहीं करना, आपको जीवन भर के लिए ठीक करना है. इसीलिए जब आप जाएंगे हमारे हॉस्पिटल से तो आपको एक स्पेशल किट दिया जाएगा आपके बॉडी क्लॉक, आपके सर्कैडियन रिदम के हिसाब से, और उसको यूज करते हुए घर पे भी सिमिलर रिजल्ट आप पाते रहें और आप अपना डॉक्टर बन जाएं. इरादा है टू फ्री योरसेल्फ ऑफ द डिजीजेस, द ड्रग्स एंड द डॉक्टर्स एज वेल. तो जो लोग मेरे साथ 17, 18, 19 February को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन दिस 72 आवर्स कैंप, वो स्क्रीन पे दी हुई लिंक में आप अपना आवेदन भर सकते हैं, अपनी मेडिकल हिस्ट्री डाल सकते हैं. मेडिकल हिस्ट्री डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी मेडिकल हिस्ट्री मेरे पास आ जाएगी तो हम 17 February का वेट नहीं करेंगे. कुछ बातें, कुछ प्रोटोकॉल्स अभी से आपको फॉलो करने बोलेंगे, ताकि 17 February जब तक आए तब तक आप काफी हद तक ठीक हो चुके हों, तब तक आपकी बॉडी क्लॉक काफी हद तक सेट हो चुका हो. तो मिलते हैं 17th, 18th and 19th, एंड इरादा सिर्फ इतना है, करेक्टिंग द बॉडी क्लॉक सो दैट लेट योर बॉडी बी इट्स ओन, स्विच ऑन इट्स ओन फार्मेसी, सो दैट यू कैन बी इन योर full control of your health. All the best. Jai Hind. मेरे को चक्कर वगैरह थे जी, और भी डिस्कम्फर्ट थे जी. तो उसमें मतलब एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया था, तो उसमें मुझे बहुत फर्क पड़ा. चक्कर तो खत्म ही हो गया है बिल्कुल. नहीं, मुझे हर समय ना यहाँ पे ऊपर देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मुझे बहुत फर्क लगा है. मुझे बहुत अच्छा लगा है. मुझे तकलीफ हाथ में थी, दर्द होता था, मैंने सोचा कुछ सिकाई कुछ करेंगे तो ठीक हुआ, लेकिन ये जीरो वोल्ट थेरेपी से मुझे इतना आराम मिला. तो और फिर ये सब डाइट वगैरह भी होगा, हर चीज़ मिला जुला कर बहुत ही अच्छी चीज़ है. Yes, I had the swollen feet, so my swelling in the feet is gone. But of course, I have a problem in my heart, which is basically a heart disease. So, yeah. So that I will see once the results are in, you know, after the blood sample test report. Yeah. It helped me because my घुटने बहुत दर्द करते थे and चलना भी होता नहीं था सीढ़ी से. तो अभी मैं उतर सकती हूँ, चढ़ सकती हूँ. हाँ, वो जो मैट है ना उस पर सोने से बहुत अच्छा लगा. हाँ, जीरो होल थेरेपी. और जो वाटर का था वो भी, वाटर भी हमने बहुत पिया, क्योंकि उससे भी हमको बहुत अच्छा लगा. मुझे घुटने में परेशानी थी, घुटने में दर्द होता था मुझे, तो इसलिए मैं डॉक्टर BRC सर से कंसल्ट किया और इनकी टीम से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इस प्रोग्राम के अंदर, तो ये प्रोग्राम के लिए मैं आया हूँ. और उससे मुझे आज 3 दिन के अंदर ही कम से कम 40% मुझे राहत महसूस हुई है. अभी ये मेरे को आज इन्होंने कहा कि आपका लो हो गया, आप अब जो इंसुलिन हाफ डोज लगा रहे थे लॉन्ग एक्टिंग का, वो भी आज से बंद कर दीजिए. तो मेरा इंसुलिन तो आज से बंद ही हो गया है 72 घंटे के अंदर.